हाँ जी जी जूस हो गया रेडी ते हुण इन पा देने हैं जग विच। ते हुण जाके दे देने अम्मी ते अब्बू नू ते हस्बैंड नू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल ने तमाम बहन भाइयों के, उम्मीद करना सब ठीक होंगे। जितने भी हो खुश रहो, आबाद रहो, हमेशा हंसते वसते रहो। अलहमदुलिल्लाह, शुक्र अलहमदुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। वेलकम जी, एक नया विलाग है। तमाम बहन भाइयों को खुश आमदीद कहना। हाँ जी, दिन माशाल्लाह वावे पिया है कि मौसम अज है इन्ना जबरदस्त ही रहा, तो वावे निकल ही रही है। सुबह तक देखो बारिश इन्नी आई है कि रात टाइम तो गिला सब कौन तो सूख गया सारा। हाँ जी, हूँ चले हाँ मैं अड्डे ते दुकान का समान लैन। मैं देख रहा हीरा हीरा उठ गई कि सत्ते पेंद बच्चे, तो दुकान का समान कुछ लैना है, तो होर भी एक छोटा जि काम है, मोबाइल ठीक करवाना है, जो गिलास वगैरह पवाना है। चलने हैं, चल के करके तो आ जाने इंशाल्लाह। उधर भी जाना है, चल के तो मस्जिद भी खानी इंशाल्लाह। चलने हाँ जी, दुकान का समान जो लैके तो घरे रख के आ गया मैं, कि चल के देना तुम्हें बुखार है माशाल्लाह काम इन्ना क्यों कहना। हफ्ते बाद एक दिन या दो हफ्ते बाद जो लग्या है, एक हफ्ते बाद बल्कि दिन लग्या है, तो कहने जुमेरात वाले दिन जो फंड वगैरह जमा होता है उस हिसाब से सिर्फ उतला हिस्सा होया आ गया। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया, शुक्र अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह का लख लख शुक्र है। इंशाल्लाह अल्लाह जाए तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आके चल के जे नज़दीक तुम्हें विखा दी माशाल्लाह। तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी मैं एक दो विलाग दिखाया माशाल्लाह। देखो एक तो बहुत जल्दी ग्रो अप होता है, देखो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा जेड़ना लगता है। बाबे ने कहा था काफ़ी दिनों का, लेकिन मशीन वगैरह वो कहते मैं भी अगू किसी को लैके आनी होंगी है। बाकी इधर टोपियाँ वगैरह जेड़ना सारिया माशाल्लाह दो के तो रख दी है जी। काम है वेख लो, इधरों रोशनी है उस साइड तो जा चल किधरों खाना इतों माशाल्लाह। शुक्र अलहमदुलिल्लाह जबरदस्त हो गया, कुछ आ जाने ये उत्ते रखने न भाई आप इधर बना के है ना, परसों का बनया पेगा जबरदस्त इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या फिर जिस टाइम हूं, क्योंकि उन्हें दिहाड़ी के नाल नाल सीमेंट का भी बंदोबस्त करना होंगे है, मजदूर का भी, इस करके ना एक दो हफ्ते लग जाते होंगे है। लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अबू जी और मिल लेने फिर इंशाल्लाह चलने जी। इतने आ गया तो अबू जी और जेना बुला रहे गलबात कि बोल रहे क्या कि जेना छत का जेना कि पानी वगैरह लगाया ने पानी लाया टोपियां वगैरह धोती है। मैं वेख रहा कि धोपियां भी सारिया माशाल्लाह बड़ी गल है। मैं चला क्यों करा, मैं भी अक्सर होना सारा दिन दुकान से बविंदा है और कोई नहीं बविंदा है, तो बुझी तो मस्जिद है खास तौर पर काम शाम सारे हटे। चलो सही है, चलो दो मिनट आराम कर लो। चलो सही हो गया, जबरदस्त हो गया। आना नहीं का घर और सब में दुआ जाटे जे के सफाई करनी थोड़ी मस्जिद। चलो ठीक हो गया, बड़ी गल। चले वापस क्योंकि दुकान पर चल के बहनेगा तो निवाद ही टाइम होने लग गया। अजे तक वैसे माशाल्लाह टाइम तो काफ़ी पिया है, तकरीबन चार बज चले घंटा पूरा पिया है। वेलकम जी। हाँ जी, घरे आ गया वापस अम्मी और बेगम नू, मतलब ऑल ओवर फैमिली जो उधर छड़ के आया सिस्टर वाल। पांजे मेरे की तबीयत ठीक नहीं हैगी, उनके छड़ के आया गया उधर आ गया। तो दिन वेखो तकरीबन समझो कि गरूब होने लगा, टाइम हो गया असर दी नमाज का, असर की नमाज भी अदा करनी है जी। तो उस तो बाद जो चल के लैके आनी है सब्जी वगैरह, तो इंशाल्लाह रेसिपी वगैरह भी शेयर करेंगे, क्योंकि रात में जेड़ना आ गया बारिश वगैरह, इस करके हम चले आ कि दुकान कर दी है जी बंद, टैब है कि घरे, लेकिन है चले सब्जी ले आने तो नाल नमाज भी अदा कर लें। नमाज असर का टाइम हो चुका, दरवाजा कर दें जी बंद, दुकान बंद कर दी है। बच्चे जेने खेल रहे है, सूरज देखो याद कि गया याद चकर गया तुम्हें जाना जाना अकेले। चलो सही होगा, जाना सीधा उधर बाजार, लेकिन भाई जान और क्या है
ਤੇ ਭਾਈ ਜਾਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜਾਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਆ ਮਸਜਿਦ ਚੱਲ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਛਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ जी अलहमदुल्ला शुक्र अलहमदुल्ला नमाज अदा कर लिया जी तो हम चलने जी बाजार मैं भी सब्जी लैनी है जी तो भाई जान और भी लैनी है जी ये है कि अज फिर जो इन्ना बारिश वगैरह का सिस्टम बनया होगा कोई पता नहीं कि हो सकता है खैर चलने इंशाल्लाह चल मैं थोड़ा बाजार ही नाल नाल अपने जो इन्हें पेंट दम खाई चली गई आ गया हूँ रात को अगू करके जेना सब्जी लैनी है सब्जी ले लेने आएगा इतना शोर भी जेना काफ़ी ज़्यादा आएगा चलो कोई नहीं चल के ले लेने सब्जी वगैरह थोड़ा बहुत जेना दिल है गोश्त भी ले लिए तो थोड़ा जहा आ गया तू ले लेने चिकन मतलब गोश्त 200-100 रुपये का बाकी जेना मसाला वगैरह ले लिया लेकर चलने सब्जी वगैरह ले लिए तो हूँ चले हैं घरे वापस घरे आ गए वापस एक लिया जी मसाला लिया तीन एक अंब लिया गया क्योंकि जिन्ना हिसाब किताब बाकी जो चिकन लिया थोड़ा जहा तो मेरे आने तक जो तैबा घरे कली सी सारी जो मंजिया वगैरह सैट कर दी तेरे मेहनत जाया हो जाने क्योंकि ना आज फिर जिन्ना आएगी बारिश नज़र आ रही है तो हम परेशानी है लेकिन यह है कमी हो रहा जे ना सौंदे तो हम इधर है आई है दुकान ही सौंदे इस तो हम नहीं सौन देता क्योंकि ना किसी टाइम में डिग सकता है बहुत खतरा है टुर टुर के काफ़ी ज़्यादा टुरिया गया तक अम्मी और भी लैके तो आने है जी तीन अंब 150 रुपये दैन मैं आके चलो क्योंकि खास तौर पर अम्मी बोर जो फिर जे ना अड्डे जाना आ गया एक दो दिन बाद तीन दिन बाद लाया मिलता क्योंकि ना सारा कुछ मैनेज करके चलना पौंदा गया प्लस ए मेरा फेवरेट है चिकन इस करके जे ना मैं शौक ना करना 100 का 50 का ले लिया फिर टेस्ट आ जाता है मोटरसाइकिल मेरा वो खड़ा है चलने अजे मैं गल कर ही रहा एक मिनट भी नहीं होया बारिश आने शुरू समान जो ना रख लेने अम्मी और लैके आना है तो बारिश तो कहीं आने शुरू तैबा जो मंजे चुक रही है नाल उन्हें चुकवा लें इस कमरे रखने वाले ऐसे रख लें जिद में जीवन जी फिक्स होने कर लें अगे छेती नाल मंजे जन चुक लें चुक के तो जन अंदर रख लें जी मौसम जो है बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है हनेरी मेरे उम्मीद है जो नज़र आ रहा है निकलन निकलन तक जो काफ़ी हो रहा नहीं चलिया चल के अम्मी और लैके आना आ गया साड़ी जबान इतने कहें कि पुछन गए आने मेरे अपने बांझे चल के जाने जाके पता सुन करके तो आने जो भी सूट तैयार है इंशाल्लाह चलने क्योंकि शाम के टाइम हो चलिया मगरब उही होया जिदा डर सी काफ़ी तेज हवा चलनी शुरू हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा तेज़ भाई नासर और जन अम्मी और छन जा रहे हैं तो अम्मी और सॉरी लैन जा रहे हैं बाकी जन आ गए ने घर आ गए अम्मी और सिर्फ लैन चले चलने लै आने अम्मी और जन आ रहे हैं पैदल तनिया जेना बारिश तेज शुरू हो गई सब्जी वगैरह तो लैके आ गया सब्जी की तो परेशानी नहीं हैगी लेकिन अम्मी और मेरे तो क्या आई लव माई मॉम डैड मैनू अपनी अम्मी अबू नाल बहुत ज़्यादा प्यार है इंशाल्लाह मरदे दम पर चलने देखो यहाँ मेरे ख्याल से माँ मरदे ने छुट्टी कर दी अम्मी और जेने आ क्या हो इतने रुके लै लेने चलने चलिए थापिए मैं लगता है रुकाऊ चलिए आहो जी अबू जी चले 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 जल्दी जल्दी वैसे है ना एकदम से वक्त बदल गए हालात बदल गए जज्बात बदल गए उस तरह एक मिनट जे ना वेखो मैं भी थोड़ा बहुत भिज गया बारिश आनी शुरू हो गई
अरे मैं गल ही कर रहा था तकरीबन कह लो 5-7 मिनट ही होए हैगे आ ते हुण तां बिल्कुल अगे थोड़ी तेज होण लगी हुण थोड़ी स्लो हो गई है। चलने अम्मी और लै लियागा इंशाल्लाह चलने आ घरे पहुँच के फिर मुलाकात होंगी हैगी। चल के रोटी पानी का करना है इंशाल्लाह थोड़े ना शेयर करांगे। बाकी हैगा जिन्हें को माँ बाप है गई मेरी रिक्वेस्ट है उन्होंने तमाम भैन भाइयों को माँ प्यो की कदर करो इंशाल्लाह। मैं कहना आ गया दुनिया मैं कहना थोड़े को कैश है मुकदी नहीं चलने इंशाल्लाह। डेंजरस है लंघन गया तो गल बनेगी आप जो भी जा रहे हैं। हाँ जी घरे आ गया वापस मेरे बाबा जन या अब जी मेरे जन ने बैठे हैं दुकान पे। हाँ जी सर की अबू और ने मैं आज गौर किया है आज कटिंग कराई कल कराई आज कल दी है आज ये मैं थोड़ा वेखो ना माशाल्लाह माशाल्लाह इन बहुत प्यारे लगते हो। बारिश जे है ना काफ़ी ज़्यादा हो रही है लेकिन एक बेनिफिट है जी पुत्र जंप इधर रुदी हैगी अम्मी और कमरे नू ते मेरे मेरे दी तो फिर भी खैर है अम्मी और कमरे नू बहुत ज़्यादा खतरा क्योंकि ना पिछू आ लड़ी उन्हें त्रेड़ा काफ़ी आई हुई है अगे साइडा तो बारिश आती रही है एवेको ना क्योंकि तो नज़र आ रही होनी कि यह जगह सुकी हैगी सारी सुकी है मगरू जम पै रही है पानी सीधा मतलब कहने बैक दीवार है क्योंकि ना इधर तो फिर भी प्लस्तर है कि कोई पानी की बचत हो जाती जान तू उधरू जाना कोई नहीं होती ए जी मेरा बेटा मुहम्मद ईसा पुत्र की करते प्यो की करते प्यो तेरा भला ए शहजादा है शहजादे महाराज जी इन्ना तेज़ होंगी जा रही दुआ करो बस मेरा कमरा कायम रहे। बाकी एक कॉमिक मैं आया जी माशाल्लाह बहुत खुश रहन लग गए शुक्र अलहमदुलिल्लाह है कि मेरा यकीन करो रब की जात जानती हालात सब कुछ लेकिन मेरा दिल नहीं करता कि मैं ना मेरी वजह तुम हूँ मेरा बिलाग वेखन आते हैं अपने आप को खुश करने वास्ते कि ना इंजॉयमेंट ले रिफ्रैशमेंट ले अगू मेरी टेंशन वेखो तुम अपनी टेंशन के नाल भी टेंशन लैके तो बह जाओ इस करके मैं कहना कि मेरी वजह चलो कोई खुश तो हो मैं की टेंशन ना क्योंकि ना टेंशन तो मुकनी आया नहीं ना कदे कोई ना कदे कोई मैं कहना कि खुश भी जिन्ना रहना चाहिए कि जिन्ना खुश रहेंगे उन्नी टेंशन दूर भजन गई है जी। शहजादे साहब मामा दुआडी जी ना बना रही है तुहाडे दादे लई जूस ते दादी लई तुसी चुप करके बारिश करो इंजॉय की जी बारिश इंजॉय करो बारिश बाय 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 बाय। इधर जी परनाला भी चलना शुरू हो गया मोटरसाइकिल मेरा जरा बेचारा बाहर पिया क्योंकि ना अंदर सारिया मंजिया जो पूरी हो गई अबू और मोटरसाइकिल पूरा हो गया हमारा मोटरसाइकिल बाय लेकिन खुश हाँ शुक्र अलहमदुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिन्ना रब का शुक्र अदा करा उन्ना थोड़ा है अजय मगरब का टाइम नहीं हो बेगम वेखो शुक्र है रब की जात का मैं रब का जिन्ना शुक्र अदा करा उन्ना थोड़ा वेखो शीशा लगे हुआ है पानी अंदर जावन का खतरा को नहीं हालांकि थोड़ा थोड़ा साइडा जाता कोई नहीं इधर कमरा बिल्कुल सेफ है शुक्र अलहमदुलिल्लाह ए वेखो दरवाजा लगे हुआ शुक्र अलहमदुलिल्लाह यह है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह इधरला जाना अम्मी और जाना अलहमदुलिल्लाह इधर ये दुकान से सो जाते क्योंकि इधर जो कड़का पईया ज़्यादा मसला बनया उदों का कोई नहीं है इंशाल्लाह। अबू जी और भी जाना 2-4 दिन तक बिल्कुल जाना अबू और आख रहे कि बिल्कुल छड़ दो काम जो प्राइवेट मतलब किसी ने करते हो हूँ जो अगे वाला कोई नहीं हिसाब किताब लेकिन है कि थोड़ा बहुत जो करते उस तू जाता करो लेकिन यह है कि ऑलरेडी मैं अपने जो लेन देन काफ़ी ज़्यादा करने अबू और भी करने इस करके उन्होंने वजह तो मजबूरी तो करना पै जाता नहीं तो मेरा दिल करता यकीन करो मैं अपने अम्मी अबू न जो मंजे तू थले पैर ही ना रखा देव लेकिन मजबूरियां है सारे रल मिल के करते पे जिन्ना मेरे को हो सकता पे मैं भी करता पे थोड़े सामने मैं दिन रात दुकान टाइम दे रहा दुकान चला रहा ताकि मेरा मुस्तकबिल बन जाए मेरे हालात ठीक हो जाने सिर्फ इस गलों दिन रात दुकान पर बह रहा मेरे को बिलाग नहीं बनते मैं सिर्फ कहना मेरी दुकान मेरा कारोबार है क्या मेरे को सोर्स ऑफ इनकम होएगा मेरे को 4 पैसे होंगे मेरी परेशानियाँ सॉल्व होगी मैं अपने आप दिमागी टेंशन खत्म होगी क्योंकि ना ऑलरेडी अजय क्योंकि ना जिन्हें दे देने वो इतों फड़न फिरते है इस करके एक किस्म के है मैं उम्मीद हैगी बारिश बिल्कुल खत्म होगी उम्मीद हैगी
ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸਤਾ ਇਸਤਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤਮਾਮ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਬਾਦ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬਾਦਲ ਹਨੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਆਈ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਗਈ ਹੈ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਲਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਦੋਣੀ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਦੋਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਮੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੰਦੂਰੀ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲੈ ਅੰਦਰ ਸਾਲਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਗਈ ਹੈ ਰੋਕ ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਮਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿਰਚਾਂ अचानक मौसम खराब हो गया वैसे तो सारा दिन ही खराब रहा लेकिन धूप भी है थी थोड़ा इन्ना खराब रहा फिर धूप निकल आई अच्छी बल्कि धूप से भी बहुत तेज तो फिर मौसम खराब हो गया हम बारिश आ गई सी थोड़े दिन पहले तो थोड़ी ज्यादा ही आई है लेकिन रुक गई है। हाँ जी जी हूँ पा लेने नमक ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕੜਾਹੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਜ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਲੂ ਅੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਝ ਅਤੇ ਆਲੂ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲਿਆ ਦੋ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਕ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦਮ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮੰਮਾ ਦੀ ਸਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਸੌਣ ਦਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੋਈ ਇਸ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌਣ ਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਸਾਲਨ ਪਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਨਸਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸੁੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਲੂ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਝ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਰਬਾ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਪਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੋਰਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਾਲਨ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਅੰਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਛਿੱਲ ਕੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ
ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਬੂ ਤੇ ਹਸਬੰਡ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ ਜੂਸ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੰਬ ਲਿਆ ਸੀ ਛਿੱਲ ਤੇ ਛਿੱਲ ਕੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਅੰਬ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛਿੱਲਦੀ ਪਈ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਬ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਬਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੂਸ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਛਿੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਅੰਬ ਲਿਆ ਛਿੱਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਜਗਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਚੀਨੀ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜੱਗ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਦੁੱਧ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਚੀਨੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਢੱਕਣ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅੰਮੀ ਅਤੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜੂਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗਲਾਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਆ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਅੰਮੀ ਵੀ ਅੱਬੂ ਵੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੂਸ ਬੇਗਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹਨ ਅੰਮੀ ਜੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹਨੇ ਪੀ ਲਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਬੂ ਜੀ? ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਟੀ ਸੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਿਆ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਣੀਆਂ ਜਿਹਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿਹਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੌਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੈਗਾ ਰੂਟੀਨ ਸੈਟਅਪ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਖਰ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਪੰਖਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਫਰਸ਼ੀ ਪੰਖਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਹਿਲੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।